ये थप्पड़ है हमारे गाटों के अड़े अड़े मुंह तीन तीन मरले दे, ये थप्पड़ है। 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है। एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है। उसने पांचवी बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान मुचर्रब चर्बी जदा। जहाँ मोदी वाली आपने बात की कि माय बेस्ट फ्रेंड मोदी ट्रंप कह रहे थे, इनको भी तो अपना दोस्त। हाँ, उसकी बीवी ने कहा कि आई वांट अ सेल्फी विद हिम अलोन। ये बड़ा कम होता है। इस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कह लीजिए के लीडर के तौर पर सामने। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इस बार सिर्फ और सिर्फ न्यूज चल रही है तो वो चल रही है पीएम मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है उनके जो 100 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर पे जो कि अभी एक्स कहा जाता है जिसे उसमें। और हालांकि अगर पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन देखी जाए तो वही उससे तकरीबन आधे जो है उतने फॉलोअर ही मोदी के ट्विटर पे हुए हैं, एक्स पे हुए हैं। और यह देख के पाकिस्तान वाले एकदम अचंभित है कि किसी एक पॉलिटिशियन की इतनी ग्लोबली इतना ट्रेंड इतना उनका ये कैसे हो सकता है और कैसे इतने फॉलोअर। हालांकि विराट कोहली, लेडी गागा, नेमार जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हमें देखने मिलती है पूरे वर्ल्ड, ये बाइडेन और जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी भी फैन फॉलोइंग उतनी है, उतनी पॉपुलरिटी है, उससे दोगुनी से ज्यादा जो पॉपुलरिटी है वो पीएम मोदी की हमें देखने को मिल रही है ट्विटर पे। और उनको हर बार मतलब हर रोज कई लाख कई हजारों लोग फॉलो करना शुरू करते हैं तो ये बहुत प्राउड बात है हमारे लिए। बहुत हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में इतने जाने माने जाते हैं और उनका जो क्रेज है वो इस लेवल पे है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान उसको तो बस बहाना चाहिए होता है और हम भारतीय उनको बहाना हमेशा देते हैं हम उसे जलने का। और देखिए उनके भी मीडिया में कुछ बातें ऐसे चल रही है ना चाहते हुए वो मानने में मजबूर है कि पीएम मोदी का क्रेज क्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबली उनको एक कितना बड़ा नेता माना जाता है आज की दुनिया में। यहाँ तक के भी कहा जाता है कि जो पीएम मोदी है उनकी फैन फॉलोइंग, उनका जो पॉपुलैरिटी है रैंकिंग वो शायद बीजेपी से भी ज़्यादा है। और हाँ, कहीं किसी हद तक ये बात सच भी है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें चल रही है, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं पीएम मोदी के बारे में और इस बात को लेकर उनके बीच में क्या बातें चल रही है और किस तरीके से फील करते हैं। और हाँ, मज़े तो हम हमेशा लेते हैं, वैसे मज़ा लेंगे उनकी बातें सुन के। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन दबाना क्योंकि अगर वो दबाएंगे तो आपको भी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाएगी। थैंक यू। तो चलो देखते हैं वीडियो को आगे। जय हिंद। 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। जो बाइडेन 38 मिलियन, तैयब उर्दगान 20-21 मिलियन, यूएई के लीडर हैं शेख मोहम्मद जो है 11 मिलियन, इसी तरह बाकी जो दुनिया की लीडरशिप है ट्रूडो, जॉर्ज मेलोनी, मतलब उनकी उतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है जी। बहुत सारी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, लेडी गागा, किम कर्दाशियन, विराट कोहली, नेमार, ठीक है जी, टेलर स्विफ्ट, इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। ये बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। अब कई लोग तो अब क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं तो लोग इंडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, उनकी सिक्योरिटी का नहीं ख्याल करेंगे थे और इनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, करना चाहिए। ही इज द इलेक्टेड पर्सन एंड दिस इज द जॉब ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी के वो अपने लीडर का प्रोटेक्ट करें। पॉपुलर हैं, दुनिया में बहुत ज्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने तीसरी दफा उनको वजीर आजम के तौर पर चुना और अवाम के पास गए, इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद फिर वजीर आजम बन के आ गए। पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है, दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है
कहा जाता है कि इतनी अप्रूवल रेटिंग तो उनकी पार्टी की नहीं है जितनी उनकी एक बंदे की है। सो इसमें एक चीज तो ये भी है कि हमारे साउथ एशिया के अंदर पर्सनैलिटीज को पसंद किया जाता है, वी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, हम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हम बात तो बड़ी करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए, लेकिन हम पर्सनैलिटीज को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है, उनका टू बी जिसे वो कहते हैं ना रुथलेस हैं, रुथलेस इन एनीथिंग। जो मैंने चीज़ें सुनी हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को भी जिस तरह दबा के रखा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने अपनी टीम बड़ी अच्छी चुनी हुई है। सो उनके दौर में इकॉनमी बेहतर हुई है, बाकी जो अपोजिशन है ऑलमोस्ट उनके ज़माने में ख़त्म हो गई है। राहुल गांधी वगैरह मतलब ही इज़ पॉपुलर, ही गॉट 100 सीट्स दिस टाइम उनकी पार्टी ने, बट रिमेंबर कि नरेंद्र मोदी के करीब करीब भी नहीं पहुंचे। सो बीजेपी जो है अ टी सेलर, ठीक है जी, ठीक है जी, इज नाउ द पॉलिटिकल फेस ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी जो हैं उनको ट्विटर के ऊपर अब तकरीबन 100 मिलियन लोग जो हैं वो फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, इस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कह लीजिए कि लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वैसे तो और बहुत से लीडर्स हैं जिनमें अमेरिका हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, गल्फ कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज हो गई, सभी जगह के लीडर जो हैं, और स्पोर्ट्स के लोग भी हैं, फिल्म एक्टर्स भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, लेकिन इस वक्त मोदी जी जितनी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी के पास हो। और अब अभी रिसेंटली जो है उन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स उनके ट्विटर या एक्स पे समझे कि कंप्लीट हुए हैं, और उसके लिए मोदी जी ने ट्वीट भी लगाई थी। तो यकीनन ये देखकर साफ पता चलता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काफी पॉपुलर हैं। वैसे ये अलग बात है कि जिस वक्त इलेक्शंस हुए, भारत के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, फिर रिजल्ट्स आए उस वक्त लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन बहरहाल मोदी जी का कह लीजिए कि करिश्मा है, मोदी जी जो है हर जगह फेमस है और पाकिस्तान में भी खैर काफी फेमस है। लेकिन खैर जरूरी नहीं है कि आपको आपके अगर बहुत से लोग आपके फैन हो तो कई लोग आपके ऐसे भी मिलते हैं आपको जो आपको पसंद नहीं करते, और मेरे ख्याल है खूबसूरती उन्हीं से होती है कि हर तरह के लोग जो हैं वो इस दुनिया में रहते हैं, हर तरह के लोग जो हैं इस प्लैनेट के ऊपर रहते हैं, और वो आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं तो बहुत से लोग आपको नापसंद भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है नेगेटिव चीजों को या नेगेटिव लोगों को इतना भाव नहीं देना चाहिए। वैसे तो खैर मेरे लिए भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो नेगेटिव बातें करते हैं, और बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ कि भाई साहब अब हैं कौन, लेकिन फिर भी मेरे लिए जो है वो नेगेटिव ट्वीट्स लगाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, और उसको बहुत से ऐसे लोग जो कभी हमारे दोस्त रहे वो रीट्वीट भी कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर उनको इसमें खुशी मिलती